इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगे, अजनबियों की तरह एक दूसरे के साथ होते हैं, काम करते हैं, जो एक दूसरे की परवाह नहीं करता है। मतलब ये रिश्ते ऐसे लोगों का समूह जिनके बहुत करीबी रिश्ते हैं लेकिन दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते हैं। वे मिलनसार हो सकते हैं लेकिन वे वास्तव में किसी और की भावनाओं के बारे में नहीं सोचते हैं। जिंदगी की दौड़ में, कभी धूप कभी चाह में, बेगानों के साथ साथ अपने को बेगाने बने देखा, बेफिक्र जिंदगी की एक छोटी सी कहानी है जो अपना होकर भी अपनापन न दिखाए, वो अपना नहीं। मैंने आज़ाद कर दिया हर वो रिश्ता, हर वो इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। ये दुनिया दिखावे की बनी हुई है, यहाँ अपने तो असली में हैं पर अपनापन दिखावे का है। डियर मतलब एक तू ही है जिसने सब रिश्तों को जोड़े रखा है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से होती है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई तो टिकना मुश्किल है। जिस दिन तुम्हारा सबसे करीबी रिश्ता तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे, तब समझ लेना कि तुम उस इंसान को खो चुके हो। मतलब ही रिश्तों की बस इतनी सी कहानी है। अच्छे वक्त में मेरी खूबियां और बुरे वक्त में मेरी कमियां गिननी है। रिश्ते अगर कुछ शर्तों से जुड़े हैं तो उन्हें टूटने से फरिश्ते भी नहीं बचा सकते। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं, प्यार कम मतलब ज्यादा। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं जो आज रिश्ते तुम्हारे साथ हैं वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। जहां तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों को इग्नोर करने और अपनों को इंप्रेस करने में चला जाता है। पहुंच गए हैं कई राज मेरे गैरों के पास, कर लिया था मशवरा एक रोज अपनों के साथ। सुना है तारीफों के पुल के नीचे, मतलब की नदी बहती है ये, अपने लोग आखिर अपने क्यों नहीं होते। कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हो, कुछ चुप हो इसलिए रिश्ते हैं, वरना दिल मेरे पास भी है और दर्द मुझे भी होता है। खर्च कर दिया खुद को कुछ मतलबी लोगों पर जो हमेशा मेरे साथ थे सिर्फ मतलब के लिए। रिलेशनशिप में झुकना और सॉरी बोलना सीख लो, ओन योर लाइफ ईगो साथ नहीं देगा। रिलेशनशिप बचाने के लिए अगर झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है और स्वयं हारना होता है। कुछ बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि दुनिया अब दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाती है। किसी ने पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुपके से रह लेते हो। मैंने जवाब दिया कि कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, ये देखना अच्छा लगता है। बदलती हुई चीजें हमेशा अच्छी लगती हैं, पर बदलते हुए अपने कभी अच्छे नहीं लगते। औकात मेरी छोटी लेकिन सपने बहुत बड़े थे। नजर घुमा के देखा, मेरे अपने ही दुश्मन बनकर खड़े थे। तेरा इश्क ही तो था जिस पर मुझे सबसे ज्यादा यकीन था, पर अफसोस वो भी मतलब ही निकला। मासूमियत की हद तब पार हुई कि जब मासूमियत के पर्दे उठने पर चालाकी का चेहरा दिखा। जो खुद को चालाक समझते हैं वो अक्सर चालाक होते नहीं हैं, उनका भ्रम होता है कि मैं चालाक हूं। आखिर इतने चालाक कैसे हो जाते हैं लोग, कभी इसके कभी उसके कैसे हो जाते हैं लोग। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कोई भी छोड़कर जाए, क्योंकि मैंने उन रिश्तों से धोखा खाया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा नाज था। तेरे इस मतलबी इश्क ने मुझे आज इतना तो बता ही दिया है कि प्यार करके भी अपने मतलब पूरे किए जा सकते हैं। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो वो रिश्ते अमृत मिला देने से भी मीठे नहीं हो सकते। जो प्यार केवल मतलब के लिए किया जाए वो प्यार हमेशा दूसरों के दिलों को ठेस ही पहुंचाता है। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। भुला देंगे तुम्हें भी, जरा सब्र तो कीजिए। आपकी तरह मतलबी होने में जरा वक्त लगेगा। आज वो लोग भी मतलबी हो गए हैं जो कहते थे कि मुझे तुम्हारी आदत हो गई। इतिहास गवाह है, खबर हो कब्र हो या खोदते अपने ही हैं।
इस स्वार्थी दुनिया में किसी से क्या आस लगाना। अरे कोई किसी का नहीं होता तो क्यों किसी के आने की आस लगाना। किस किस को स्वार्थी कहोगे जनाब, यहां तो पूरी दुनिया ही स्वार्थी है। इस तरह से हर जगह अपने मतलब की ना सौदा करो साहब। एक वक्त आएगा ऐसा भी जरूर जब कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा इस दुनिया में। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं हर किसी को अपना समझ लेता हूं। देखो ठंड बढ़ रही है, इसलिए जिंदगी में आग लगाने वाले रिश्तेदार और पड़ोसी ही काम आएगा। ये जिंदगी है साहब, यहां धोखा तो साथ चलने वाले ही देते हैं। कुछ लोग स्लीपर चप्पल जैसे होते हैं, साथ देते हैं पर पीछे से कीचड़ उड़ाने रहते हैं। जिन लोगों को आपसे दूर होना होता है वे कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं और सारा दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार बैठे हैं। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। दुख ये नहीं कि जो मिले वो पत्थर के लोग थे, अफसोस ये है कि चंद मेरे घर के लोग थे। जहरीले सांप तो बहुत होंगे, पर सबसे बड़ा जहरीला सांप वो जिसका नाम रिश्तेदार होता है, जो हर मोड़ पर फन फैलाए बैठता है। जहां हर बार अपनी बातों पर सफाई देनी पड़ जाए वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। बचपन में कभी सोचा नहीं था जिन रिश्तेदारों के लिए हम दौड़ दौड़ के काम करते थे, बड़े होने के बाद वही रिश्तेदार हमरी लेने भी दौड़ दौड़ के ही आएंगे। अपनों का प्यार तो बहुत दूर की बात है, अपनों का साथ मिल जाए उतना ही बहुत है। अजीब दुनिया है साहब, यहां उसकी कद्र नहीं होती जो सच में रिश्तों की फिक्र करता है। यहां कद्र उसकी होती है जो सिर्फ दिखावा करता है। रिश्तेदार बहुत है, मेरे पर उनका एक ही रिश्ता रहा है मुझसे, मतलब का बदल गए कुछ रिश्ते। यकीन मानो यकीन नहीं होता। वक्त नहीं है किसी के पास, जब तक ना हो कोई, मतलब खास जब जब आपके खास रिश्ते दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी है। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, यहां वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। जिंदगी हर किसी की एक जैसी नहीं होती, जो किसी मतलब से की जाए वो मोहब्बत नहीं होती। इस दुनिया में किसी पर ज्यादा निर्भर न रहे, क्योंकि जब आप अंधेरे में होते हैं तो आपकी अपनी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। ये तीन चीजें काफी हैं जिंदगी का सुकून छीनने के लिए। झूठा प्यार, मतलबी यार, पंचायती रिश्तेदार, कोई बच्चे नहीं है। हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते, चालाकियां सबकी समझ में आती है, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हमसे फायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हों। पहले लोग भावुक हुआ करते थे, रिश्ते निभाते थे, फिर प्रैक्टिकल हुए रिश्तों से फायदा उठाते थे, और अब प्रोफेशनल है, फायदा उठाया जा सके ऐसे रिश्ते ही बनाते हैं। रिश्तेदार भी देखे, रिश्तेदारी भी देखी, अमीरी भी देखी, लाचारी भी देखी, खुशियों की मैंने हिस्सेदारी भी देखी, पर कहीं दिखा ना अपना कोए। और जब बात हुए खुशियों की तो आंगन में मेला लगा सा हुए, पर आन पड़े जब विपदा कोई, कोई संघ खड़ा ना हुए। हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में, कुछ आपके अच्छे दिल से साथ देंगे तो कुछ बस अच्छे दिन में साथ देंगे। रात गई तो तारे चले गए, गैरों से क्या गिला, जब हमारे चले गए हम जीत सकते थे कई बाजियां, बस कुछ अपनों को जिताने के लिए हम हारे चले गए। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत न समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। मेरी मासूम नादानियों ने मुझे रुलाया है बहुत, मतलबी रिश्तेदारों ने मेरा दिल दुखाया है बहुत। मतलब के रिश्ते हैं या रिश्तों में मतलब उलझे रहे हम यूं ही इन रिश्तों में कब तक। किस किस को खुश रखे करें समझौता हम कब तक। क्या कसूर उन बूढ़ी आंखों का जिसकी औलाद दिखाए दिन ये अब, जिसे ऐश कराए सारी उम्र वही औलाद ठुकरा के चल दिए अब। कब तक रिश्तों में यूं ही खुद को खोते रहोगे, पाओगे कुछ नहीं इस मोह में रोते रहोगे। तोड़ दो मोह के धागे सारे, खुद के लिए भी थोड़ा जी लो, बाहर निकलो मतलबी रिश्तों के जाल खुद का, अपने मन से बेमतलब एक रिश्ता निभा लो।
कोई मानो या ना मानो, पर जिंदगी में दो ही लोग अपने होते हैं, एक खुद और दूसरा खुदा। इस भ्रम में ना रहना कि सब रिश्ते खास होते हैं, आधे से ज्यादा रिश्ते आस्तीन के सांप होते हैं।